जमुई की पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से हथियार भी बरामद किया है। बीती 9 सितंबर की रात जमुई जिले के खैड़ा थाना की पुलिस रात्रि गश्ती कर रही थी। इसी दौरान खैड़ा थाना के मांगो बंदर पुल के पास एक बाइक पर 3 सवार झारखंड की ओर से आते दिखे। इसके बाद पुलिस ने बाइक सवार को रुकने का इशारा किया, पर बाइक सवार बाइक छोड़कर भागने लगे और इसी दौरान पुलिस ने एक शख्स को दौड़कर पकड़ लिया और अब उसकी जांच की गई। उसके पास से पुलिस ने 2 9mm लोडेड पिस्टल और 18 कारतूस के साथ ही 2 मैगजीन भी बरामद किया है। जांच में मालूम हुआ है कि इस आपराधिक पर पहले से ही कई थानों में आपराधिक मामला दर्ज है। पुलिस ने इसके पास से एक बाइक भी बरामद किया और भागने में सफल रहे 2 और अपराधियों की खोज शुरू कर दी है। खैरा पुलिस थी तो इन लोगों ने एक संदिग्ध मोटरसाइकिल वाले में जिस पर 3 लोग बैठे हुए थे हाथ डाला, रोका, तो रोकने के बाद ही तीनों मोटरसाइकिल छोड़ के भागने लगे। एक को पुलिस ने जो BMP के बल थे उनके साथ खदेड़ के पकड़ा, 2 भागने में सफल हो गए अंधेरा का फायदा उठा के। उनके पास से 2 9mm का पिस्टल, 18 राउंड गोली, 3 मैगजीन, 1 मोटरसाइकिल मिला है। ये लखीसराय कवैया का रहने वाला है, इससे पहले 5 केस में ये जेल जा चुका है। पुलिस अब इस अपराधी और इसके फरार साथियों का आपराधिक इतिहास निकालने में लगी है। लाइव इंडिया के लिए जमुई से प्रशांत किशोर की रिपोर्ट।